So today on chapter 9, we are going to discuss another compound. Because in chapter 9, carbon compounds with oxygen containing functional group, we are discussing about all those compounds which contains an oxygen in their functional group. So we have started the topic of alcohols and we have discussed methanol and ethanol. Both the compounds contain OH group as a functional group, hydroxy, one with methyl and the second with ethyl. And today we will discuss okay, what happens when an OH group or a hydroxy group is combined to a benzene ring, then it will become another compound that is called phenol. Theek hai? And their properties are slightly different than alcohols, slightly different. So, ye phenol ke aage maine non-important likha hai because it is the part of your reduced course. Ab ye jo main aaj ki class jo le raha hu complete, ye reduced course ki taraf se hai. But reduced se murad ye ki 27th of November ko bhi jo hai us जो है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची ने नोटिफिकेशन जारी किया तमाम स्टूडेंट्स के लिए, उसमें उन्होंने फिर से यादहानी करवाई है कि बच्चे जो है वो सिर्फ रिड्यूस कोर्स के तहत से तैयारी करें बजाय इसके कि वो सारी चीज़ों को पढ़े घर पे बैठ के। बट फिर भी चूँकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो एप्टीट्यूड टेस्ट के हवाले से कॉन्शियस है कि और रिक्वेस्ट मुझसे कर रहे हैं कि सर आप कंप्लीट जो है वो प्रिपरेशन करा दें, इस हवाले से आज मैं क्लास ले रहा हूँ, वरना इंटरमीडिएट के एग्जाम में ये नहीं आने वाला सेकेंड ईयर में। ठीक है, अब फिर वही बात है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे बात है क्लास में ऐसे होंगे जो फिर मना कर देंगे फॉरन सर फिर क्यों करा रहे हैं, केमिस्ट्री पहले ही बहुत डिफिकल्ट है, क्यों आप बिला वजह में और बटन दे रहे हैं, पिछले चैप्टर्स की तैयारी सही से नहीं हो सकी है। तो फिर वो ऐसे बात है, दो राय तो कायम हो जाएगी क्लास रूम के अंदर, बट फिर वही बस बात रहती है कि चलो उसको हम कर ही लेते हैं इनकेस, बट हम इसको इस तरह समझ के करते हैं कि रिड्यूस्ड कोर्स का पार्ट है। ठीक है, बाकी एप्टीट्यूड में जिसको मैंने बारी अगर किसी को एनईडी या डाउ के टेस्ट आगे जाकर देना है नेक्स्ट ईयर, तो जाहिर सी बात है उसको नीट पड़ेगी कि वो सारी प्रिपरेशन करें। तो फिनॉल जो कंपाउंड है, तो दैट इज़ सबसे पहले आप इसके इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले फार्मूला, क्या फार्मूला क्या होता है, तो C6H5OH दैट इज़ बेंजीन रिंग है, उसके साथ OH की अटैचमेंट हो जाएगी, इसी को हम लोग कहते हैं फिनॉल। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या ऐसा होता है कि बेंजीन रिंग के साथ OH लगा दें। अब आप बेंजीन रिंग आप जानते हैं दो तरफ से आप लगा सकते हैं, बेंजीन रिंग को इस तरह से भी लगा सकते हैं या फिर आप इसको रेजोनेंस मॉडल बनाकर भी OH इसके साथ जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों शब्दों में ये जो है फिनॉल का फॉर्मूला है, फिनॉल का स्ट्रक्चर। IUPAC नेमिंग की बात करें तो IUPAC नेम इसका जस्ट फिनॉल होता है, अगर आप इसको फिनॉल कह देंगे तो ये इसका IUPAC नेम है। अच्छा, इसके अल्टरनेट IUPAC नेम भी पॉसिबल हो सकते हैं, अल्टरनेट, जैसे अगर आप फिनॉल नहीं नाम याद रखना चाहो तो ये बेंजीन है और बेंजीन के साथ OH ग्रुप लगा है, OH ग्रुप के जो सफिक्स होता है वो ओल होता है, तो बेंजीन वन ओल भी इसको हम कह सकते हैं। जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो हम इस तरह से भी नेमिंग कर सकते हैं, बेंजीन वन ओल, या फिर हम मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 7 में कि बेंजीन का जो IUPAC नेम है 1.3.5 साइक्लोहेक्साट्राइन, ये तो वही 1.3.5 साइक्लोहेक्साट्राइन, ये बेंजीन हो गया और आखिरी में वन ओल लगा दिया, ये तीनों ही इसके जो है IUPAC नेम है। नॉर्मली फिनॉल से नाम ज़्यादा इसको बच्चे याद रखते हैं, तो आप फिनॉल याद रखें, मैंने बाकी भी बता दिए, अगर आपको MCQs में अगर आपको परेशान करने की कोशिश की गई तो आपको ये पता होना चाहिए। नाउ कॉमन नेमिंग की हम बात करें तो कॉमन नेम इसका एक है फिनॉल का, इसको हम लोग कहते हैं कार्बोलिक एसिड, इट इज़ नॉट कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड इज़ अनदर कंपाउंड, कार्बोनिक जब L की जगह N आ जाएगा तो कार्बोनिक एसिड एक अलग कंपाउंड होता है जो कि H2CO3 जिसका फॉर्मूला होता है, ये वो एसिड जो कि पेप्सी में या फिर कोक में सेवन अप में स्प्राइट में जो मौजूद होता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा ड्रिंक, दैट इज कार्बोनिक एसिड, दैट्स वाई द pH ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स इज लेस देन 7, इट इज एसिडिक इन नेचर, दैट्स वाई इट इज हार्मफुल टू ड्रिंक ऑफन। सो वो जो एसिड होता है उसके अंदर वो H2CO3 होता है, उसको कार्बोनिक एसिड कहते हैं और ये कार्बोलिक एसिड है। ठीक है, तो याद रखना है कि कार्बोलिक एसिड असल में फिनॉल का जो है वो कॉमन नेम है और इसका भी एसिडिक नेचर है बाकी तमाम अल्कोहल्स की तरह, दैट्स वाई कार्बोलिक एसिड कहते हैं उसको। ठीक है, सो इससे ये पेप्सी वगैरह में मौजूद नहीं होता, आगे मैं बताऊंगा कि कहाँ पर मौजूद है, तो कार्बोलिक एसिड इसको हम कहते हैं। ठीक है, एसिडिक नेचर ये रखता है क्योंकि H+ लॉस कर देगा, आगे जब हम रिएक्शंस करेंगे तो हमें पता लगेगा। ठीक है, सो फिनॉल का जो कॉमन नेम है वो हमने यहाँ पर देख लिया कि वो यहाँ पर जो है वो कार्बोलिक एसिड है। नाउ कमर्शियल नेम की बात करें कि अगर आप दुकान में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं और दुकानदार से अगर आपको मांगना है फिनॉल का कंपाउंड, तो ना ही वो आपको समझे फिनॉल समझेगा, ना ही दुकानदार बेंजीन वनोल समझेगा, ना ही 1.3.5 साइक्लोहेक्साट्राइन वनोल समझेगा वो, और ना ही उसको कार्बोलिक एसिड समझ में आने वाला है। ठीक है, तो उसको आपको बोलना है कि भाई एक बोतल आप डिटॉल दे दें, तो वो आपको डिटॉल दे देगा, तलवार बनी होगी हरे कलर का गोल सा, ठीक होगा, तो वो दैट इज़
द कमर्शियल नेम ऑफ फिनॉल, जिसके नाम से फिनॉल घरों में मौजूद होता है, जिसके नाम से बच्चे बड़े इसको याद करते हैं डिटॉल के नाम से, ठीक है। तो डिटॉल जो है वो असल में फिनॉल का ही एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं सर ये फिनॉल आप पढ़ाते तो पढ़ा है, घर पे कहाँ इस्तेमाल होता है, तो ये मैं यहाँ पे बता भी दे रहा हूँ कि कहाँ इस्तेमाल होता है, ताकि एक सेंस क्लियर हो जाए, इंटरेस्ट आए, डेवलप हो पढ़ने में। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें कि फिजिकली, अब जाहिर से डिटॉल को जहन में रख के फिजिकल प्रॉपर्टी लिख लो सारी इसकी। तो वैसे मैंने बताया कि जो फिनॉल होता है ना, ये होता सॉलिड है, इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं जाकर, फिर जाकर वो डिटॉल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, कलरलेस होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड है फिनॉल, लिक्विड नहीं होता ये, लेकिन सॉल्युबल इन वाटर होता है, पानी में फौरन से हल हो जाता है, तो इसलिए उसका सॉल्यूशन बन जाता है आराम से, ठीक है। और इट इज़ टॉक्सिक, ये जहरीला भी होता है। वैसे डिटॉल को पीने के लिए इस्तेमाल कोई भी नहीं करता भाई, मना होता है बिल्कुल सख्ती से उसके अंदर कि उसको या इनहेल ना करे, पिए ना कोई इसको, वो टॉक्सिक है, जहरीला है, बहुत हार्मफुल है। अच्छा, यही डिटॉल आपको एक और नाम से भी दुकानों में मिल जाता है, फिनाइल के नाम से मिल जाता है, फिनाइल। तो फिनाइल भी वैसे ही होता है, सेम एक ही तौर पर एक्शन करता है दोनों। तो टॉक्सिक होता है ये, और इसकी स्मेल कैसी होती है, तो पेक्यूलियर स्मेल। तो पेक्यूलियर मैंने उर्दू में मीनिंग लिख दिया, अजीब सी स्मेल होती है। तो डिटॉल की स्मेल जैसे है ना, तो अब इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे आप, अनएक्सप्लेन ऑर्डर जिसको हम कहते हैं ना, कि ना मीठी ना उसको खुशबू, ना तुम उसको चुपती हुई खुशबू कहोगे, ना तुम उसको कुछ, मतलब वो एक अजीब सी खुशबू होती है डिटॉल की, और उसकी खुशबू ही उसके नाम से मशहूर है, डिटॉल की खुशबू बोलते हैं यार, इसकी स्मेल तो बिल्कुल डिटॉल जैसी है। तो डिटॉल एक अलग ही स्मेल की दुनिया समझो है, कि डिटॉल की एक अलग ही स्मेल है, ठीक है, पेक्यूलियर सी स्मेल है, अजीब सी स्मेल है, बोलते हैं ना भी इसकी स्मेल तो डिटॉल जैसी लग रही है। डिटॉल की स्मेल किसी और तरह से हम नहीं बोलते, डिटॉल की स्मेल ही अलग है बिल्कुल, ठीक है। तो इसकी पेक्यूलियर ऑर्डर है, स्वीट ऑर्डर, या हम इसको शार्प या पंजेंट ऑर्डर नहीं कह सकते, ठीक है। बात समझ में आ गई, फिजिकल प्रॉपर्टी सिंपल है, इसको याद नहीं करने की जरूरत है, ये कॉमन सेंस की बात है। अगर जहन में अगर आपके कंपाउंड को ये घर पे मौजूद उसका, तो आप ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी खुद भी लिख सकते हैं, और अगर जहन में कंपाउंड नहीं है फिर झट्टा मारना पड़ जाएगा, याद करना पड़ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट यूजेस की बात तो अभी मैं शायद नहीं करता हूं, बाद में करूंगा, ठीक है फिलहाल। तो पहले मैं आ जाता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल की तरफ, फिनॉल्स की क्लासिफिकेशन, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिनॉल आर देयर। तो फिनॉल असल में तीन तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक फिनॉल, एक होता है हमारे पास डाईहाइड्रिक फिनॉल, और एक हमारे पास होता है ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। मोनोहाइड्रिक फिनॉल ऐसा फिनॉल जिसमें सिर्फ एक OH ग्रुप मौजूद हो उसको मोनोहाइड्रिक कहेंगे, जिसमें दो OH ग्रुप मौजूद हो बेंजीन के साथ वो डाईहाइड्रिक है, और जिसमें तीन OH ग्रुप है वो हमारे पास ट्राईहाइड्रिक फिनॉल है। तो मोनोहाइड्रिक में तो एक हमारा सिंपल फिनॉल हो गया। नेक्स्ट, अगर आप OH के साथ अगर CH3 भी कहीं पर अटैच कर दो, तो कॉमनली इस कंपाउंड को कहा जाता है क्रिसोल, उसको हम क्रिसोल कहते हैं। तो क्रिसोल एक मोनोहाइड्रिक फिनॉल है, और ऑर्थो पोजीशन पर चूंकि लगा हुआ है CH3, तो ओ क्रिसोल इसको हम कह देंगे, ठीक है। एक और नाम भी इसका कह सकते हैं, अगर आपको ओ क्रिसोल नहीं कहना है तो आप ये कह सकते हैं ऑर्थो ओ मिथाइल फिनॉल, तो ये भी वही चीज़ है, ओ मिथाइल फिनॉल, ऑर्थो पर मिथाइल लगा हुआ फिनॉल। इस तरह से इसको हम कह देंगे, चूंकि मेटा पोजीशन पर CH3 है, तो ये भी क्रिसोल है, लेकिन एम क्रिसोल, मेटा क्रिसोल, ठीक है। इसी एम क्रिसोल को जो है हम एक और नाम दे सकते हैं एम मिथाइल फिनॉल, ये रूल पर मतलब इजी नेम है नीचे जो मैं लिख रहा हूँ रेड से। अच्छा, वो क्रिसोल वो भी है, लेकिन वो पैरा पड़ चुका है CH3 के अटैचमेंट, तो वो पैरा क्रिसोल है या पी क्रिसोल है। पी क्रिसोल को हम लोग पी मिथाइल फिनॉल भी कह सकते हैं, ठीक है जी, गुड। नाउ और तरह के भी फिनॉल होते हैं डबल बेंजीन रिंग अटैचमेंट वाले, अगर दो बेंजीन एक साथ अटैच हो जाए, अगर OH ना हो उसके साथ, तो उसको हम नेपथलीन कहते हैं, दैट इज जस्ट नेपथलीन। नेपथलीन क्या होता है, जब दो बेंजीन अटैच हो, और जब दोनों बेंजीन रिंग के साथ किसी एक जगह पर OH आ जाए फर्स्ट पोजीशन पर या अल्फा पोजीशन पर, इसको हम लोग कहते हैं अल्फा नेपथॉल, फिर ये नेपथलीन नहीं है, अल्फा नेपथॉल। और अगर सेकंड पोजीशन पर आ जाए यहाँ से, तो फिर हम इसको कहते हैं बीटा नेपथॉल। इसको अल्फा नेपथॉल बीटा नेपथॉल के बजाय वन नेपथॉल भी कह सकते हैं, या फिर टू नेपथॉल भी कह सकते हैं। अल्फा नेपथॉल तो एक बड़ा एक फेमस कंपाउंड है, जिसकी आपने मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में मालूम की होगी। मेल्टिंग पॉइंट जो है ना, ज़्यादातर वो कॉलेजेस में अल्फा नेपथॉल की कराते हैं, वो उसमें वो छोटे से जो है वो पतला सा ट्यूब होता है, उसके अंदर बोलता भरो बैठ के उसको, तो वो आधा घंटा तो भरने में लग जाता है उसको। तो वो ऑक्सैलिक एसिड का करे हो गए तुम लोग, अल्फा नेपथॉल का भी कराते हैं, तीन का कराना होता है ना फर्स्ट ईयर में। तो वहाँ पर थोड़ी तेज़ खुशबू होती है, मिंट जैसी खुशबू होती है उसकी, अल्फा नेपथॉल की, ब्लैक पत्ती जैसा होता है बिल्कुल, पाउडर जैसा। तो अल्फा नेपथॉल ही इसको हम वन नेपथॉल कहते हैं। तो ये कंपाउंड जो ये भी फिनॉल ही है, मोनोहाइड्रिक में आएगा। डाईहाइड्रिक फिनॉल में क्या होगा बच्चों के, जब दो OH ग्रुप मौजूद होंगे एक बेंजीन के साथ, तो बेंजीन के साथ दो OH ग्रुप अगर कंसेक्यूटिव सामने सामने आ जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं कैटिकोल, ठीक है। इसको फिर हम जो है वो कैटिकोल कहेंगे, नहीं तो पर आप ये कह सकते हो ऑर्थो पर OH लगाए, तो इसको आप ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल भी कह सकते हैं, ओ हाइड्रोक्सी फिनॉल, जिसका सिंपल नेम है। अच्छा, अगर एक OH फर्स्ट पर लगाए
और दूसरा हुआ जो है मेटा पर लगाए तो उसको अलग बोलते हैं रिसोर्सिनोल। उसको रिसोर्सिनोल के बजाय एम हाइड्रोक्सी फिनॉल भी कह सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से अगर बेंजीन रिंग में पैरा पोजीशन पर दूसरा ओएच लगा हुआ है तो उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्विनोन, और अगर हाइड्रोक्विनोन नहीं कहना चाहते तो फिर क्या कहोगे, पी हाइड्रोक्सी फिनॉल। ठीक है बच्चे। नाउ नेक्स्ट, अगर ट्राईहाइड्रिक फिनॉल की बात करते हैं, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल में क्या होगा, एक ही बेंजीन के साथ तीन जगहों पर कंसेक्यूटिव ओएच के अटैचमेंट हो गए, तीन ओएच आ गया ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। इसको हम लोग कहते हैं कॉमन नेम में पायरोगेलोल। दिस इज पायरोगेलोल, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड। और अगर हम इसको नेमिंग करें रूल के लिहाज से तो ऑर्थो पर ये है और ये मेटा पर है, तो ऑर्थो कॉमा मेटा डाई हाइड्रोक्सी और फिनॉल, तो ये इसको नॉर्मल नेम हो गया रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, सारी बातें क्लियर है यहाँ तक फिलहाल। यूजेस अभी मैं बताऊँगा आपको वो प्रिपरेशन वगैरह के बाद। ठीक है, ओके। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, हाउ द फिनॉल्स आर प्रिपेयर्ड। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया था कि इसको कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं, इसके कॉमन नेमिंग जो है ना वो कार्बोलिक एसिड है। अच्छा, मुझे याद है कि जब मैंने 2010 के अंदर जो है वो 2009 में मैंने सेकेंड ईयर के एग्जाम्स दिए थे अपने दौर में, तो फिनॉल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उसके लिए, कि फिनॉल की प्रिपरेशन जो है ना वो दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ये तो चार नंबर का आने ही आना है फोर मार्क्स का। तो मैं भी फिनॉल करके अच्छी तरह से पक्की तरह से करके गया था उसकी प्रिपरेशन, यहाँ पर भी मैं कराऊंगा। बट जब मैंने पेपर देखा तो उसमें फिनॉल की प्रिपरेशन आई भी नहीं है कहीं पर भी स्टार्ट पॉइंट, जबकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो। तो फिर मैंने देखा कि यार, अच्छा वहाँ कहीं पे लिखा हुआ था कि राइट डाउन द टू प्रिपरेशंस ऑफ कार्बोलिक एसिड। अब मुझे तो फिनॉल नाम से भी पता था, मुझे तो पता नहीं कार्बोलिक एसिड भी उसी बला को कहते हैं क्या है पता नहीं। तो अब वो मैं घर पे छोड़ दिया मैंने वो सवाल, मैंने बोला पता नहीं क्या आया, मैंने चार नंबर का वो क्वेश्चन छोड़ दिया। जब मैं घर आकर मैंने जब बुक खोला तो उसमें जब मैंने देखा तो लिखा हुआ था फिनॉल इज कॉमनली नोन एज कार्बोलिक एसिड, कि फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है। तो इसलिए मैं बच्चों को हमेशा, और वो दिन है और आज 2009 में मैंने खुद इंटर का पेपर दिया, उसके बाद मैंने हमेशा बच्चों को कॉमन आईपीसी दोनों लिखाया साथ में, ताकि मेरे जो चार नंबर कट गया तो किसी और के ना कटे उस चक्कर में। तो कार्बोलिक एसिड के नाम से भी आ सकता है, मतलब जरूरी नहीं कि फिनॉल ही आप सिर्फ नाम एक याद रखो, दोनों नाम याद रखें। तो प्रिपरेशन की बात जब हम करें कि किसी तरह से प्रिपेयर किया जाता है, तो देर आर टू मेथड्स टू प्रिपेयर फिनॉल। द फर्स्ट मेथड वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से प्रिपेयर करना। अच्छा, क्लोरोबेंजीन से जो प्रिपेयर करेंगे हम, इसी को हम लोग कहते हैं डाउस प्रोसेस, डाउस प्रोसेस। ठीक है, सो डाउस प्रोसेस, अच्छा बुक में आपके डाउन्स प्रोसेस लिखा हुआ है, तो डाउन नहीं है ये, वो गलत लिखा हुआ है बुक में आपकी, डाउस प्रोसेस है। डाउ वॉज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, तो डाउस प्रोसेस। अच्छा, एक तो डाउ नाम तो अंग्रेजों के डाउ भी नाम होते हैं ब्रिटिश पीपल के, तो डाउ रखते हैं। सर ह्यूजेस डाउ, ही वॉज द फर्स्ट, यू नो ही वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ सिंध, सर ह्यूजेस डाउ, और जिन्होंने जो है वो कराची के लिए एक बहुत मशहूर डाउ मेडिकल कॉलेज की बुनियाद रखी। सर ह्यूजेस डाउ वॉज द ब्रिटिश एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, वो एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो उनके नाम से DMC डाउ मेडिकल कॉलेज या डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज, सुना होगा नाम आपने। तो फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से हम बनाएंगे तो उसी को हम लोग कहते हैं डाउस प्रोसेस। ठीक है, अब किस तरह से बनेगा क्लोरोबेंजीन से देखें। सो तो यहाँ पर जो है वो मैंने बेंजीन लिया तो, और ये OH, तो यहाँ CL लगा दिया, तो दिस इज नाउ क्लोरोबेंजीन। चैप्टर 7 में हमने इसको पढ़ा है। क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हमें कराना है NaOH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, और ये NaOH जो आपके पास होगा इट इज 10% कंसेंट्रेटेड होगा, 90% वाटर एंड 10% NaOH, इसको 10% सॉल्यूशन हम कह सकते हैं। हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होगा, हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होगा और साथ में इसमें हाई प्रेशर भी इसमें मौजूद होगा। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर जब हम ये रिएक्शन कराएंगे तो इसमें क्या होगा कि बेंजीन और ये Cl के बीच का बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये H प्लस और NaO माइनस, इस तरह से ये ब्रेकिंग हो जाएगी। तो Cl जो है वो H के साथ जुड़ जाएगा और ये यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो जाएगी, और इन दैट केस यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा बेंजीन के साथ ऊपर ONa की अटैचमेंट हो जाएगी और प्लस HCl बन जाएगा। ये जो कंपाउंड यहाँ पर बना बेंजीन रिंग के साथ ONa, इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड है, तो सोडियम और दैट इज फिनॉल का ऑक्साइड है, तो फिनॉक्साइड जैसे इथॉक्साइड मिथॉक्साइड होता है ना वैसे C6H5 वो फिनॉक्साइड होता है, तो सोडियम फिनॉक्साइड है। इसी को हम लोग सोडियम फिनॉक्साइड को एरोमेटिक सॉल्ट भी कहते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड का जो सॉल्ट होता है ना या बेंजीन का जो सॉल्ट होता है वो यही होता है सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है,
ठीक है, अभी तो नहीं बना अभी हमारे पास, ये इंटरमीडिएट बना, अभी बेंजफिनॉल नहीं बना हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप पे फिर जाकर जो है फिनॉल की फॉर्मेशन होगी, डबल स्टेप प्रोसीजर है। फिर क्या होगा, सोडियम फिनोक्साइड के साथ हम HCl का रिएक्शन करा देंगे, जो HCl बना होगा ना वो इस सोडियम फिनोक्साइड के साथ रिएक्शन कर जाएगा, और इसमें क्या होगा कि ये Na पॉजिटिव हो जाएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगा, H प्लस और Cl माइनस, ठीक है, H यहाँ पर जुड़ेगा, इस Na या Cl के साथ निकल जाएगा। तो आफ्टर द रिएक्शन हमारे पास यहाँ पर जो है वो बन जाएगा OH आ जाएगा यहाँ पर, और NaCl नमक की फॉर्मेशन हो जाएगी, एंड दिस कंपाउंड हेयर विच इज फॉर्मड इज फिनॉल, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये पहला प्रोसीजर है क्लोरोबेंजीन के थ्रू किस तरह से हम बेंजीन को बनाते हैं। द सेकेंड प्रोसीजर विच आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ इज फ्रॉम बेंजीन सल्फोनेट, के बेंजीन सल्फोनेट से किस तरह से फिनॉल की जो है प्रिपरेशन होती है। तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि बेंजीन सल्फोनेट कौन सा कंपाउंड है, ठीक है। अगर आप बेंजीन ले लें, ठीक है, बेंजीन अगर आप ले लें तो बेंजीन के साथ अगर आप SO3H लगा देते हैं, दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है, ठीक है। और जब SO3 अब ये H हटा दें यहाँ से तो दिस इज बेंजीन सल्फोनेट, और अगर Na भी लगा दें तो ये सोडियम बेंजीन सल्फोनेट कहला सकता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, तो ये सोडियम बेंजीन सल्फोनेट है, इससे बनाना है। सेम प्रोसीजर होगा, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट के साथ हम रिएक्शन करा देंगे NaOH का, फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। तो अब इस रिएक्शन के दौरान क्या होगा, यहाँ पर फिर से देखो कि यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, और ये H प्लस और NaO माइनस हो जाएगा, ये इधर पर आकर जुड़ेगा, ये इधर आकर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो फिर सोडियम फिनॉक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो ये यहाँ पर ONa आकर अटैचमेंट कर लेगा, तो सोडियम फिनॉक्साइड अगेन बना जो ऊपर भी कंपाउंड बना था, और साथ में NaSO3 जब इस H के साथ मिलेगा तो यहाँ पर कंपाउंड बनेगा Na2SO3, और इसके साथ वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी H2O। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 लगा लेंगे, तो सोडियम 2+1 3 और सोडियम 3 बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन 3+2 5 3 4 एंड 5 बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन 2 एंड हाइड्रोजन 2, तो ये ऑल ओवर इक्वेशन जो है बैलेंस्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बाय प्रोडक्ट इसके साथ निकला। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सेम जिस तरह से डाउस प्रोसेस के अंदर सेकंड स्टेप हुआ था कि आपने बेंजीन ये आपके सोडियम फिनॉक्साइड को आपने रिएक्शन करा देना है HCl के साथ। जब आप इसके HCl से रिएक्शन कराएंगे तो ये फिनॉल बन जाएगा, जैसे यहाँ मैंने मैकेनिज्म में बताया आपको इधर पे, और NaCl बन जाएगा। तो ये सेकंड प्रोसीजर से हमारे पास फिनॉल की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो फिनॉल को हम दो तरह से बना सकते हैं, क्लोरोबेंजीन की मदद से बना सकते हैं और बेंजीन सल्फोनेट या सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की मदद से बना सकते हैं, समझ आ गई बात, ओके नॉलेज सर। अच्छा, लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस फिनॉल के। तो फिनॉल इज़ हाईली रिएक्टिव इन नेचर, और फिनॉल हाईली रिएक्टिव किस वजह से होता है, अगर आप देखते हैं कि बेंजीन के साथ OH ग्रुप अटैचमेंट रखता है, और जब आपको पता है कि OH ग्रुप को चैप्टर 7 में हमने पढ़ा था कि OH ग्रुप जो है वो एक आपके पास एक्टिवेटिंग ग्रुप का इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन पेयर और ऑक्सीजन वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को बेंजीन को डिनोट करके बेंजीन रिंग को मोर रिएक्टिव बना देता है। इस वजह से बेंजीन के फिनॉल के काफ़ी सारे रिएक्शंस हमारे पास यहाँ पर है, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारे रिएक्शंस मैंने यहाँ लिखे हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इजी रिएक्शंस को कर लेते हैं, जो सिंपल रिएक्शंस हैं, आसान रिएक्शंस हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन आप जानते हैं ये रिएक्शन हमारे पास हाइड्रोजिनेशन का जो रिएक्शन होता है ये एडिशन रिएक्शन होता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। कैटलिस्ट की मौजूदगी में होता है, निकल प्लैटिनम या पैलेडियम में से कोई कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। निकल को ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज जो है वो यस निकल रेनिस कैटलिस्ट इसको हम कहते हैं, ये ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट होता है जिसकी वजह से निकल को इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या होगा, जितने भी पाए बॉन्ड हैं ये तीनों पाए बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे एडिशन रिएक्शन की वजह से, और टोटल 6 हाइड्रोजन हर एक किनारे पर यहाँ 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 टोटल 6 हाइड्रोजन आ जाएंगे। इस तरह से क्या होगा, बेंजीन की रिंग खत्म हो जाएगी बच्चों, और इसके साथ यहाँ पर OH अटैच हो जाएगा। अच्छा देखो, अगर OH नहीं होता तो इस कंपाउंड को फिर हम क्या कहते हैं, साइक्लोहेक्सेन। अब चूंकि OH लगा हुआ है तो इस कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, साइक्लोहेक्सानोल। ये कंपाउंड हमारे पास है, साइक्लोहेक्सानोल बन गया, सही है। नेक्स्ट रिएक्शन विथ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन या स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन। अब आप जानते हैं कि अल्कोहल या फिनॉल खुद एसिडिक नेचर का होता है, तभी तो उसको कार्बोलिक एसिड कहते हैं, और एसिड का जब भी हम किसी बेस से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा, और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दैट रिएक्शन इन केमिस्ट्री इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन।
तो यहां पर अगर आपसे पेपर में ये कहा जाए कि राइट वन रिएक्शन टू शो द एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनॉल, तो आपको ये रिएक्शन लिखना पड़ेगा एसिडिक बिहेवियर को बताने के लिए। हमने हर कंपाउंड के एसिडिक बिहेवियर का लिखा है, इथाइन की एसिडिटी कैसे बताएंगे, अल्कोहल की एसिडिटी कैसे बताएंगे, फिनॉल की एसिडिटी का भी बताता हूँ कि कैसे बताएंगे एसिडिक नेचर का। तो एसिडिक नेचर फिर वही बात है, हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं बताएंगे बल्कि रिएक्शन के अकॉर्डिंग बताएंगे कि अपना H+ लॉस कर देगा। तो यहाँ पर चूंकि दिस इज एसिड एंड दिस इज बेस, तो ये चूंकि एसिड के तौर पर बिहेव करेगा या बेस के तौर पर बिहेव करेगा, ये अपना H+ लॉस कर देगा और ये अपना OH- लॉस कर देगा। तो ये OH मिलेगा यहाँ पर और NA इसके साथ जाकर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बेंजीन के साथ ऊपर आ जाएगा ONA प्लस वाटर। तो ये हमारे पास सॉल्ट है, इस कंपाउंड का नाम हम जानते हैं सोडियम फिनॉक्साइड है, और सोडियम फिनॉक्साइड को मैंने क्या कहा, ये एक एरोमेटिक सॉल्ट है। हो गया न्यूट्रलाइजेशन, इसका मतलब ये लाजमी एसिडिक बिहेवियर इसने अपना शो किया, फिनॉल ने अपना H+ लॉस किया, ठीक है। तो ये एसिडिक नेचर आपको बता रही है रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद रिएक्शन विद जिंक, दिस इज ऑल्सो द रिएक्शन विच वी हैव ऑलरेडी डन इन द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। ये जिंक, यहाँ पर जिंक डस्ट है जो पाउडर्ड जिंक था, ठीक है। हाई टेम्परेचर पर जब हम इसका फिनॉल से रिएक्शन कराएंगे तो जिंक की प्रॉपर्टी है क्या करता है, ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देता है। जिंक यहाँ पर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल होगा और ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा। जब इस फिनॉल से ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा तो क्या बन जाएगा, सिर्फ बेंजीन बच जाएगा और साथ में जिंक ऑक्साइड ZnO। तो दिस कंपाउंड हेयर विच इज फॉर्म्ड इज बेंजीन, क्लियर है, ठीक है। अभी लिखना नहीं है, ठीक है, पहले सारी चीज़ें समझ लें। तो यहाँ पर हमारे पास ये मैंने रिएक्शन विथ NaOH आपको बता दिया, जिंक के साथ बता दिया और हाइड्रोजनेशन बता दिया। अब हैलोजनेशन कराता हूँ, ठीक है। फोर्थ रिएक्शन दैट इज हैलोजनेशन, हैलोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हैलोजिन, ठीक है। हैलोजिन को ऐड करा देना है किसी कंपाउंड के अंदर। अब चूंकि उसके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद है तो बजाय वो एडिशन करने के वो फेवर करेगा सब्स्टिट्यूशन करने को, ठीक है। तो दिस इज हेयर बेंजीन रिंग और यहाँ OH की अटैचमेंट है और उसके साथ रिएक्शन करा गया Br2। अच्छा, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया केमिकल प्रॉपर्टीज के स्टार्टिंग में, क्योंकि बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप जो मौजूद है फिनॉल बनाने के लिए, तो OH एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप का इलेक्ट्रोफाइल है, तो वो क्या कर देगा, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देगा, बेंजीन रिंग को मोर एक्टिव बना देगा। इसलिए जो रिएक्शन बेंजीन नहीं कर पाता वो फिनॉल कर जाता है। और यहाँ पर मैं आपको एक ऐसे रिएक्शन दिखा रहा हूँ, अगर आपसे पेपर में आया ना कि गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजीन एंड फिनॉल, बेंजीन और फिनॉल के बीच में तो डिस्टिंग्विश टेस्ट अगर आप करें, तो यहाँ पर मैं वही टेस्ट कराने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो इसी को यहाँ पर ही आगे मैं लिख देता हूँ कि इट इज़ ऑल्सो द डिस्टिंग्विश टेस्ट। आया नहीं है पेपर में कभी, लेकिन मैं इसमें बता रहा हूँ कि हो सकता है ये भी डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन बेंजीन एंड फिनॉल, के बेंजीन और फिनॉल के बीच का डिस्टिंग्विश टेस्ट, ठीक है, कि एक ऐसा रिएक्शन जो फिनॉल कर लेगा लेकिन बेंजीन नहीं करेगा। तो ब्रोमीन के साथ H2O लिख दिया, नाउ दिस इज द ब्रोमीन वाटर, और आप जानते हैं बेंजीन ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कभी नहीं करता, इट नेवर गिव्स एनी रिएक्शन इन विद बेंजीन ब्रोमीन वाटर, ठीक है। वो लेविस एसिड के प्रेजेंस में कर रहा होता है, ठीक है, डायरेक्टली नहीं करता, लेकिन फिनॉल कर जाएगा ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन, जो कि वो ज़्यादा रिएक्टिव है। अब रिएक्शन करिए क्या बनाएगा, याद रखो कि अब Br2 है तो यहाँ पर 3Br2 यहाँ पर यूज़ करेंगे, और हर ब्रोमीन जो है ना, एक ब्रोमीन यहाँ अटैच हो जाएगा, एक ब्रोमीन ऑर्थो, अच्छा क्योंकि OH जो है वो यहाँ पर हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो दोनों ऑर्थो पोजीशन पर, ठीक है, दोनों ऑर्थो पोजीशन पर और एक पैरा पोजीशन पर जो है वो ब्रोमीन जाकर एक ही मॉलिक्यूल में जाकर अटैच हो जाएगा, और स्ट्रक्चर इस तरह से हमारे पास बनेगा कि यह बेंजीन है और ये हो गया फिनॉल, ठीक है। इसके एक तरफ यहाँ पर ब्रोमीन, एक यहाँ पर इसके ब्रोमीन आ जाएगा और एक पैरा पोजीशन पर, दोनों ऑर्थो पर और एक पैरा पर, और उसके साथ हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर जाएगा तो HBr बन जाएगा, ठीक है। आई थिंक बैलेंस करने के लिए इसको यहाँ पर 3 चाहिए होगा, ठीक है। तो ऑल द इक्वेशन विल बी बैलेंस नाउ, ओके। सो यहाँ पर जो कंपाउंड बना हमारे पास, अगर इस कंपाउंड का नाम अगर हम लिखना चाहें, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो 2, 4 और 6 पर ब्रोमीन अटैच है, तो इस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो, और कंपाउंड कौन सा है, फिनॉल। ये 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ यही रिएक्शन अगर बेंजीन से कराना चाहे ना ब्रोमीन वाटर का, तो वो कोई आपको प्रोडक्ट मौजूद नहीं देगा, ठीक है। ब्राउन कलर डिकलराइज मतलब कि नहीं होगा, ठीक है। तो मैं वो लिख नहीं रहा, आई थिंक अब आप समझ सकते हैं, क्योंकि इससे पहले काफ़ी डिस्टिंग्विश टेस्ट किया, आपको पता उसमें क्या हो रहा होगा।
फोर्थ रिएक्शन के बाद उसके बाद हम फिफ्थ रिएक्शन में आते हैं, और ये हैलोजिनेशन भी कर दिया मैंने, नाइट्रेशन करते हैं अब, ठीक है। इसको समझना सिर्फ, अगर लिखते रहेंगे तो कोई बात समझ में नहीं आएगी मेरी, जो भी बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें बेंजीन की नाइट्रेशन करेंगे। नाइट्रेटिंग एजेंट आप जानते हैं, चैप्टर 7 में हमने पढ़ा है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सर होता है। तो हमने ले लिया फिनॉल और फिनॉल की कर दी नाइट्रेशन, ठीक है। नाइट्रेशन करने के लिए क्या, HNO3 यहाँ पर ले लिया और यहाँ पर H2SO4 ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अच्छा, ये रिएक्शन जो है ना डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन पर। अगर हम यहाँ पर नाइट्रिक एसिड ले रहे हैं डाइल्यूट, तो अलग प्रोडक्ट बनेगा और कंसंट्रेटेड पर अलग प्रोडक्ट बनेगा। तो ये मैं दोनों प्रोडक्ट्स आपको बनाकर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेकर मैं रिएक्शन कराता हूँ इसके साथ। तो क्या होगा, आप जानते हैं कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, NO2 ग्रुप निकलेगा, नाइट्रो ग्रुप और ऑर्थो और पैरा पर जाकर शिफ्ट हो जाएगा। ये हमने ओरिएंटेशन बेंजीन के टॉपिक पे किया हुआ है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले एक कंपाउंड तो ये बनेगा OH, जिसमें ऑर्थो पर आकर जो है वो NO2 अटैच हो जाएगा, और सेकंड हमारे पास एक और जो है वो प्रोडक्ट बनेगा जिसमें पैरा पर जाकर NO2 की अटैचमेंट हो जाएगी और साथ में वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो इस कंपाउंड को हम लोग कह देंगे दिस इज O नाइट्रो फिनॉल एंड दिस कंपाउंड इज पी नाइट्रो फिनॉल, ठीक है। नेक्स्ट इज के, अच्छा इसको अगर इफ यू वांट टू बैलेंस द इक्वेशन तो शायद हमें यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। 2 हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन टू बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन 3 2 6 6 + 1 7, अच्छा यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा, ओके। नो ऑक्सीजन जो है 3 2 6 6 + 2 8, तो यहाँ पर 2 + 2 4 5 6 & 7, आई थिंक यहाँ पर भी 2 चाहिए, 8, 3 2 6 & 6 2 8 हो गया ना, तो 2 3 4 5 6 7 8, 8 बैलेंस्ड, ठीक है। नाइट्रोजन भी हो गया, हाइड्रोजन को देख लें यहाँ पर जो चेन के बाहर सिर्फ दिख रहे हैं, 2 + 2 4 दिख रहे हैं, ठीक है। 1 2 और, अच्छा एक सेकंड, 2 + यहाँ पर 2 है ना, 4 दिख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर 4 5 & 6 दिख रहे हैं ऑलरेडी। अच्छा इसको बैलेंसिंग में एक मिनट, यहाँ से चूंकि हाइड्रोजन निकला हुआ भी होगा, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ से जो है ना जहाँ पर ये अटैचमेंट करा है यहाँ से हाइड्रोजन निकला भी है ना, तो वो शो नहीं कर रहा है यहाँ पर शायद, ठीक है। तो ये नाइट्रेशन में हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि इधर पे ये हमारे पास जो है वो जब हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे, तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराने पर हमारे पास ऑर्थो और पैरा दोनों पर जो है वो नाइट्रो ग्रुप आकर अटैच हो जाएगा। यही अगर हम रिएक्शन कंडीशन थोड़ी चेंज कर दें, रिएक्शन कंडीशन चेंज कर दें, मतलब क्या कर लें कि OH यहाँ पर ले लें और अब यहाँ पर नाइट्रिक एसिड हम यूज़ करते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड, और नाउ अब जो नाइट्रिक एसिड यूज़ कर रहे हैं अगर हम वो कंसंट्रेटेड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो कंसंट्रेटेड यूज़ करने पर क्या होगा कि अब ये नाइट्रो ग्रुप जो है वो ऑर्थो और पैरा पर एक ही कंपाउंड के अंदर जो है वो आकर अटैचमेंट कर लेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर OH है तो दोनों ऑर्थो पर NO2 जाकर लग जाएगा और पैरा पर भी NO2 जाकर लग जाएगा। ये उस सूरत में होगा जब आपने नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड लिया होगा। तो इस कंपाउंड को आप नंबरिंग अगर कर लें 1 2 3 4 5 & 6, तो ये हो जाएगा 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। इसके और भी नाम है, इसी को हम लोग कहते हैं TNP, मतलब ट्राई नाइट्रो फिनॉल, TNP भी इसको कहा जाता है। एक होता है TNT, ट्राई नाइट्रो टोलुइन, ठीक है, TNP है ये, ट्राई नाइट्रो फिनॉल। इसी को हम लोग एक और भी नाम देते हैं पिक्रिक एसिड, इसी को पिक्रिक एसिड भी कहा जाता है। तो पिक्रिक एसिड भी यही है, फॉर्मूला भी आता है लिखने के लिए पेपर में, पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला बताइए। और ये पिक्रिक एसिड और ये सब इस्तेमाल किस लिए किए जाते हैं, TNP वगैरह ये कंपाउंड इस्तेमाल किस लिए होते हैं, इट इज़ अ वेरी नोन एक्सप्लोजिव, धमाके खेज मवाद के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे TNT होता है ना, डायनामाइट वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, बॉम्ब में इस्तेमाल करते हैं, इसको भी बॉम्ब में इस्तेमाल किया जाता है बम धमाके वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। तो ये नाइट्रेशन को दो तरह से हम कर सकते हैं, डाइल्यूट के केस में और कंसंट्रेटेड के केस में। अच्छा यहाँ पर भी अगर बैलेंस करेंगे NO2 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 शायद 3 लगा देंगे इसमें, क्योंकि 3 नाइट्रोजन हमने इस्तेमाल किया। नाउ हाइड्रोजन की बात करें तो 3 और 1 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 और 1 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें, अच्छा इसको ऑलरेडी बैलेंसिंग जो है वो आप इसको खुद करके देख लो चुके हैं, ठीक है, तो उसके बाद फिर मैं देख लूँगा। अभी यहाँ पर मैं बैलेंसिंग उसकी नहीं कर रहा कंपाउंड की, ठीक है, उसमें इट विल टेक टाइम। तो नाइट्रेशन यहाँ पर जो है वो हमने करा ली, तो नाइट्रेशन दोनों तरह से यहाँ पर हमने देख ली, ठीक है। एक तरह से तो हमने देख ली कि डाइल्यूट के केस में क्या बनेगा, तो 2 अलग अलग कंपाउंड बनेंगे, और कंसंट्रेटेड में क्या होगा कि
आपके पास जो है वो नाइट्रो ग्रुप जो है वो ऑर्थोपैरा सब जगह पर अटैच होकर 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक एसिड की फॉर्मेशन कर लेगा। लास्ट रिएक्शन, छठा रिएक्शन मैं आपको करा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन में आप जानते हैं कि इसके अंदर जो है वो एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सल्फोनेशन कराना पड़ेगा। इसके भी दो कंडीशन है, इस रिएक्शन के दो तरह से रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। पहली बात, लो टेम्परेचर पे भी और हाई टेम्परेचर भी, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। अगर यहाँ पर OH मौजूद है, अब सल्फोनेशन करानी तो क्या करना पड़ेगा, SO3 इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, ठीक है। तो इन दैट केस क्या होगा कि यहाँ से SO3H ग्रुप जाकर अटैचमेंट कर लेगा बेंजीन के साथ, ऑर्थो और पैरा पर लग जाएगा, तो दो कंपाउंड बन जाएंगे। एक कंपाउंड क्या बनेगा, OH के साथ ऑर्थो पर SO3H ग्रुप की अटैचमेंट हो जाएगी, जबकि दूसरे कंपाउंड में क्या होगा कि OH ग्रुप के साथ जो है वो पैरा पर SO3H ग्रुप की अटैचमेंट हो जाएगी, और साथ में अच्छा वाटर इसमें लिबरेट नहीं होता, आप जानते हैं बाय प्रोडक्ट नहीं निकलता। तो बैलेंसिंग करनी है इक्वेशन की यहाँ पर, तो इधर पर हम जो है वो 2 अटैचमेंट कर लेते हैं, यहाँ पर 2 लगा देंगे, इक्वेशन विल बी बैलेंस्ड। अच्छा, यहां पर इस कंपाउंड को हम क्या नाम देंगे, जो कंपाउंड हमारे पास बना है, तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1, 2। अच्छा, इधर पर एक मेन बात बता दो, चुके हम नोमेनक्लेचर यहां पर अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है डिटेल वो फंक्शनल ग्रुप की, तो एक रूल होता है नोमेनक्लेचर के अंदर कि चुके यहां पर अगर आप देखें, ठीक है, तो अगर हम इस कंपाउंड की अगर हम बात करें तो SO3H भी और OH दोनों फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग में प्रायोरिटी ना SO3H ग्रुप को होगी ना कि OH ग्रुप को होगी। तो नंबरिंग इस तरह करेंगे, SO3H से शुरू करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ से भी इस तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब नॉर्म जो है ना बेंजीन सल्फोनिक एसिड पे ख़त्म करेंगे ना कि OH पे, तो उसका नाम हो जाएगा फर्स्ट वाले का, दिस इज 2 कह लो कि 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये 2 हाइड्रोक्सी। अच्छा, ये कैसे होता है ये नाम, इसका जब हम नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे तो वहाँ मैं बताऊँगा। 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये आपका हो गया 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अच्छा, ये तो आपके पास हो गया सल्फोनेशन जब, अच्छा ये रिएक्शन हमने जो किया ना लो टेम्परेचर पर किया, जब हमने टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा ना, अगर रिएक्शन कराएंगे तो सल्फोनेशन में ये बनेगा। और अगर आप इसमें जो है वो चेंज कर दो टेम्परेचर को, ठीक है, अगर आप वेरिंग टेम्परेचर पे हाई टेम्परेचर पे अगर इसी रिएक्शन को आप करा दो, मतलब क्या, जैसे कि आप देख लें यहाँ पर मैंने अगेन आप फिनॉल इस्तेमाल कर लिया और फिर SO3 लगा लिया, H2SO4 लगा लिया, और अब टेम्परेचर बढ़ा दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, अब जाकर क्या होगा, कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी कि बेंजीन यहाँ पर लगा OH, और चूँकि ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है ऑर्थो पर SO3H आ गया, और फिर जाकर जो है वो बेंजीन रिंग OH और पैरा पर SO3H आ गया। अच्छा, तो स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये तो फिर वही चीज़ बन गई, इसमें तो जो ऊपर बनाया था वही नीचे बना दिया, तो क्या फ़र्क है उसके अंदर, ये तो सेम है। तो भाई फ़र्क अब मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप लो टेम्परेचर पर रिएक्शन कराओगे, जो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट होगा ना, ये ऑर्थो पोजिशन पर जो लगा हुआ है ऑर्थो वाला, या ओ हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी उसको हम कह सकते हैं, ठीक है, ऑर्थो पोजिशन, तो ऑर्थो वाला जो प्रोडक्ट होगा, तो ये प्रोडक्ट आपका क्या होगा, मेजर होगा, मेजर प्रोडक्ट। मेजर से मुराद क्या कि ये ज़्यादा बड़ी तादाद में बनेगा, 75% आपका ये बनेगा कंपाउंड, और ये जो होगा ना पैरा वाला प्रोडक्ट, ये कैसा होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा, माइनर से मुराद सिर्फ 25% बनेगा। यही अगर आप हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन कराते हो तो ऑर्थो वाला जो कंपाउंड है ना, ये ऑर्थो वाला कंपाउंड आपका बनेगा माइनर, माइनर मतलब ओनली 25%, और जो पैरा वाला बनेगा वो कैसा बनेगा, मेजर, मेजर मतलब 75%। मतलब कंपाउंड्स तो दोनों में सेम बने, लेकिन फर्क यह होगा कि मेजर और माइनर के जो दोनों में जो बनेगा 50-50 नहीं बनेगा, किसी में अगर लो टेम्परेचर पर करो तो मेजर प्रोडक्ट जो है वो ऑर्थो वाला होगा, और हाई टेम्परेचर में मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो पैरा वाला होगा। कंपाउंड दोनों में सेम बन रहे लेकिन मेजर और माइनर का फर्क है, तो आपको ये टेम्परेचर देखना पड़ेगा कि 15-20 लो टेम्परेचर पर अलग प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट्स तो सेम बन रहे लेकिन उनके प्रोपोर्शंस अलग है, जो मिक्सचर बन रहा है, और जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब आप करें हाई टेम्परेचर पे, तो उस पर जो प्रोडक्ट बन रहा है उनकी प्रोपोर्शंस डिफरेंट है, मतलब उसमें मेजर प्रोडक्ट जो है कुछ और हो जा रहा है, माइनर कुछ और अल्टरनेट हो जा रहा है, उसका मतलब है, सही है, बस समझ में आ रही है यहाँ तक। तो अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कि हाइड्रोजनेशन किस तरह से की जाती है, और किस तरह से एसिडिक कैरेक्टर शो होता है फिनॉल का, और जिंक के साथ रिएक्शन करते हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ये तो सिंपल थे। फिर यहाँ मैंने आपको बताया हैलोजनेशन के, जब फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ किया जाएगा तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी,
यहाँ पर हमने देखा नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में दो कंडीशन बताई, अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है तो सूरत में ऑर्थो और पैरा के अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, और अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है तो एक ही कंपाउंड के अंदर ऑर्थो और पैरा हर पोजीशन पर जो है वो NO2 लग जाएगा और पिक्रिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी जो एक एक्सप्लोजिव है। सल्फोनेशन में क्या बताया, अगर लो टेम्परेचर पर आप रिएक्शन करवाओगे 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो ऑर्थो वाला मेजर होगा और पैरा वाला माइनर होगा, और ये अगर हाई टेम्परेचर पर कराओगे 100 डिग्री पर ऑर्थो वाला जो है वो माइनर होगा और पैरा वाला मेजर हो जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो जहन में आ जाएगा। वैसे भी नॉन इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ यूजेस की बात जब हम करें, कहाँ का इस्तेमाल करते हैं, लास्ट चीज़ बता रहा हूँ, उसके बाद आप लिखना शुरू कर देना। इट इज़ यूज एज एंटीसेप्टिक, फिनॉल को इस्तेमाल किया जाता है एंटीसेप्टिक के तौर पर, एंटीसेप्टिक मतलब डिटॉल जख्म वगैरह साफ करने के लिए, जरासीम क्रश के तौर पर, डिसइंफेक्टेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ना इसको, क्लियर है। सेकंड, इट इज़ यूज टू मेक प्लास्टिक, प्लास्टिक बनाने में फिनॉल का इस्तेमाल है, याद करो चैप्टर नंबर 6 में हमने किया था ना उसमें पोलीमराइजेशन, उसके अंदर जो कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन थी उसमें हमने बेकलाइट बनाया था फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का पॉलीमर, तो उसमें भी फिनॉल इस्तेमाल होता है प्लास्टिक बनाने में, बेकलाइट जो हार्ड प्लास्टिक होता है। नेक्स्ट, इट इज यूज टू मेक एक्सप्लोजिव, धमाका खेज मवाद बनाने में इस्तेमाल करते हैं, देखो बना हुआ है पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड बना हुआ है ना, तो पिक्रिक एसिड क्या होता है, एक्सप्लोजिव होता है, तो धमाका खेज मवाद को बनाने में भी फिनॉल को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, इट इज यूज टू मेक सोप, डिटॉल सोप, ठीक है, तो ये सब जानते हैं कि उसको जो है वो हम जो कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी हो गया था मार्केट से डिटॉल सोप, तो आप जानते हैं डिटॉल सोप है, तो वो भी जो है सोप भी बना रहे हैं उससे। और लास्ट क्या लिखा हुआ है, इट इज़ यूज टू मेक एस्प्रिन, इसको हम एस्प्रिन बनाने में इस्तेमाल करते हैं, और एस्प्रिन क्या होता है, एस्प्रिन इज द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस पेन किलर। जब एस्प्रिन ये नहीं बोला जा सकता, जीटीए में लिखते हैं एस्प्रिन तो फील्ड फुल हो जाती है गेम के अंदर, तो वो मुझे पता है कि वो चीट कोड है जीटीए का एस्प्रिन, ठीक है, वाइस सिटी, ठीक है। तो एस्प्रिन असल में एक दवाई का नाम है, दवाई का फॉर्मूला है मेडिसिन का, पेन किलर, सर में दर्द हो तो एस्प्रिन लेते हैं, बोलो सर हम तो सर एस्प्रिन नहीं लेते, हम तो सर पैनाडोल लेते हैं, ये हमारे सर में दर्द हो तो हम तो पोस्टान लेते हैं, तो भाई ये जो पैनाडोल है, डिस्प्रिन है, डिस्प्रॉल है, ये सारे के सारे जो सर दर्द की दवाइयाँ होती है ना, उन सब के नीचे ब्रैकेट में ये लिखा होता है एस्प्रिन, दिस इज द फॉर्मूला, जरा समझना है मेरी बात को क्या बता रहा हूँ, फॉर्मूला अलग चीज़ होती है और कंपनी नेम अलग चीज़ होता है ना भाई, डिस्प्रिन फॉर्मूला नहीं है उसका, जो कंपनी बना रही है उस डिस्प्रिन के नाम से बना रही है, और जो फॉर्मूला उसका है वो एस्प्रिन है, ब्रैकेट में लगा होता है वो, कभी कभी दुकानदार के पास जो मेडिकल स्टोर वाले के पास भी भाई ये दवाई दे दो, बोलते नहीं ये वाली दवाई इस कंपनी की नहीं है दूसरी कंपनी का, यही फॉर्मूला वो देखते हैं हम नीचे ब्रैकेट में, हाँ सेम फॉर्मूला। अब अमोक्सिल, अब अमोक्सिल जो है वो कोमोक्सिक्लेव उसका फॉर्मूला, अब कोमोक्सिक्लेव कहीं से भी आप ले लो जाकर, जरूरी है अमोक्सिल का लो आप, उसको कोई और लो, ब्रोफिन ले लो तब भी काम कर जाएगा। तो ये तो डिपेंड करता है कि वो जो डॉक्टर्स बन रहे होते हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरह से इन बातों को जानते हैं कि एस्प्रिन जो है ना वो एक फार्मूला है और डिस्प्रिन जो है वो ब्रांड नेम है, और एस्प्रिन भी फार्मास्यूटिकल फार्मूला है, असल में जो एस्प्रिन मेन कंपोनेंट है दुनिया भर के सर दर्द की दवाइयों में और बदन हाथ जिसमें दर्द हो तो उसकी दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं, इसका फॉर्मूला इस तरह से होता है, मैं बता रहा हूँ कि ये इस तरह से यहाँ पर लगा होता है COOH और यहाँ पर लगा होता है COOCH3, यही कंपाउंड है, इसी कंपाउंड को हम लोग कहते हैं एस्प्रिन, एसिड सैलिसाइक्लिक एसिड भी इसको कहा जाता है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्प्रिन, डिस्प्रॉल, पैनाडोल, पैरासिटामोल, कुछ भी बोलो, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगी उसके अंदर, वो ये फॉर्मूला बनाकर आपको बेच रहे दुकान में पन्नी में डाल के और आपका सर दर्द ठीक हो जा रहा है। अब ये क्या करता है, किस तरह से साइको एक्टिव ड्रग है वो आप उसको पढ़ते हैं कि भाई किस तरह से वो जब फार्मेसी में जाता है फार्मडी जो पढ़ते हैं 5 साल तक वो लोग यही पढ़ते हैं कैसे आपकी बॉडी में जाकर इंपैक्ट करता है, क्रिएट करता है, ठीक है। तो अब यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एस्प्रिन है उसको बनाने के लिए फिनॉल को स्टार्टिंग में इस्तेमाल किया जाता है, पहले फिनॉल बनाते हैं, फिनॉल यूज़ करते हैं और फिनॉल से फिर आगे जाकर एस्प्रिन बनाया जाता है। मैंने आपको बताया था ना, किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि बेंजीन का क्या इस्तेमाल है सर, तो फिर वही मैं बता रहा था उसको कि बेंजीन अगर दुनिया से ख़त्म हो जाए तो दुनिया भर के मेडिकल स्टोर अगले दिन बंद हो जाएंगे, क्योंकि बेंजीन से आप बना रहे हैं फिनॉल और फिनॉल से फिर आप बना रहे हैं एस्प्रिन और एस्प्रिन से बन रहे हैं डिस्प्रिन, सर दर्द की दवाइयाँ, हर तरह की दवाइयाँ बन रही हैं।